हाय गाइस, वी आर बैक अगेन विद अनदर वेरी इजी चंपारण स्टाइल मटन करी, जो लेजिट इतनी ज़्यादा इजी है जिसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मैरिनेट करना है, उसको पका देना है, दैट इज़ इट एंड इट्स वेरी यम। यू बेसिकली नीड फॉर मैरिनेशन बहुत सारा ऐसे चॉप्ड अनियन, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, दैट इज़ हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बहुत सारा जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, एंड देन हमारा सरसों का तेल। सरसों का तेल एंड मटन करी, मतलब अगर आप मटन करी बना रहे हो तो सरसों के तेल में ही बनाना, डोंट यूज़ रिफाइंड वगैरह, वरना जो आपको ऑथेंटिक टेस्ट होगा ना वो नहीं आएगा। फिर हम थोड़ा सा सरसों का तेल ऐसे गर्म करेंगे, देन वील ऐड अ खड़े मसाले जो कि है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, रेड चिली। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे एंड इसको अच्छे से, जब तक अरोमा नहीं आ जाता हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे, एंड देन वील ऐड अ मैरिनेटेड मटन along with our onion and everything। उसके बाद हम लोग इसमें सब कुछ अच्छे से ऐड कर, इसको एकदम स्लो कुक करना है, मतलब 45 मिनट्स तक आपको बस इसको कुक करना है आराम आराम से, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि प्याज कब पूरे के पूरे घुल गए इसमें, मसाले कैसे एकदम बाइंड हो गए, यू वोंट इवन नो। आपको ऐसे स्टार्टिंग में लगेगा कि वॉट इज़ दिस हैपनिंग, बिना टमाटर के कैसे बन रहा है हमारा मटन करी, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस एंड यू विल गेट द रिजल्ट, जस्ट लुक एट दैट कलर गाइज। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए आपको इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, अराउंड हाफ अ कप, एंड इसको एक विसल तक के लिए हम लोगों को सीटी बांध के रख देना, एंड देन जस्ट ओपन द लिड एंड योर मटन करी इज़ एब्सोल्यूटली रेडी टू बी सर्व। तो इसको इंजॉय करो एंड हैप्पी कुकिंग। और जो लोग अब कॉमेंट्स में ये बोलेंगे, अभी तो जानवर क्यों खाता है, गोभी खा ले, आलू खा ले, पनीर खा ले, इनके लिए सोया खा ले, भाई कुछ भी खा ले यार, और तू जहर खा, भाई स्पॉन्सर करेगा ना तेरे लिए, एकदम 100% शुद्ध शाकाहारी जहर।